Hi, I am 9th Math Important Questions for Board Exams of 2019 को देखेंगे और ये Most Important Questions हैं. ये actually हमारे ही चैनल को देखने वाले एक व्यूअर ने हमसे क्वेश्चन पूछे हैं. मेरे व्हाट्सएप पे उन्होंने मुझे क्वेश्चन भेजे थे और उन्होंने कहा था कि ये सॉल्व करूँ और इनमें से जो क्वेश्चन हैं ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो पिछले साल के मैंने कुछ पेपर में देख रहा था जिनमें ये क्वेश्चन है और आई रिकमेंड यू कि जिसके आप इन सब क्वेश्चन को प्लीज एक बार पढ़ लीजिएगा. 11 क्वेश्चन है पूरी वीडियो में. वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो सारे क्वेश्चन आपको मैं समझाऊंगा वन बाय वन. ओके चलिए स्टार्ट करते हैं. ये आंसर वन होगा. चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को. अगेंस्ट ऑन विच अ प्लेयर स्पिन्स एन एरो क्वाइन द डिस्क हैज नंबर फ्रॉम 1 to 6. द फ्रैक्शन ए अपॉन बी फॉर्म्ड वेयर ए इज द नंबर ऑफ कैरेक्टर ऑन विच द नंबर विच द एरो स्टॉप्स ऑन फर्स्ट स्पिन एंड बी इज द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन विच द एरो स्टॉप्स ऑन द सेकेंड स्पिन ऑन ई स्पिन. ई कैरेक्टर हैज इक्वल चांस ऑफ फ्रैक्शन बाय द एरो. फाइंड द प्रोबेबिलिटी that the fraction a upon b is greater than 1. ओके तो आप देख सकते हैं मैंने बगल में एक शेप बनाई है, एक स्पिन विंग बनाई है जिसमें नंबर हैं 1 से लेकर 6 तक. ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले वो देखेंगे. ठीक है, जो क्वेश्चन हमसे कहना चाह रहा है, क्वेश्चन हमसे कहता है कि एक स्पिन है. ठीक है, एक डिस्क है जिसको स्पिन करने पे हमारे नंबर है 1 से लेकर 6 तक. ठीक है, 6 नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6. हमें कहा है कि एक बच्चा है या एक प्लेयर है वो एरो स्पिन करता है. ठीक है, हर अब इसमें क्या है जो डिस्क स्पिन करता है और उसमें एक एरो का ही बनी है जो किसी भी सेक्टर पे आ सकती है. हमने पढ़ा है कि अगर हम जैसे ये सेक्टर हो जाता है, ये सेक्टर हो जाता है, ये सेक्टर हो जाता है तो एक ऐसे हमारे 6 सेक्टर हैं. ठीक है, तो हमें पहले कहा है कि ए इज द नंबर ऑफ सेक्टर ऑन विच द एरो स्टॉप ऑन फर्स्ट स्पिन एंड बी इज द नंबर ऑफ सेक्टर इन विच द एरो स्टॉप ऑन द सेकेंड स्पिन. मतलब कि एक बच्चे ने या एक प्लेयर ने उस डिस्क को घुमाया तो ए इज द नंबर ऑफ सेक्टर, ए उस सेक्टर का नंबर है जो पहली स्पिन पे रुकेगा. ठीक है, और बी उस सेक्टर का नंबर है जो दूसरी स्पिन पे रुकेगा. इसको कैसे करना है क्वेश्चन को जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आएगा अच्छे से. ओके, तो एक 6 है, एक 6 आपकी पास है. अब क्या करना है आपको इस क्वेश्चन में, क्या करना है हमें कहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फ्रैक्शन ए अपॉन बी ग्रेटर देन 1, है ना, हमें ये कहा है. अभी क्वेश्चन आपको हो सकता है थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगे बट ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ बहुत आसान है, लिटरली बहुत आसान है. क्या करना है देखिए, हमें कहा है कि ए इज द नंबर ऑफ सेक्टर, सॉरी सेक्टर ऑन विच द एरो स्टॉप. ठीक है, ऑन फर्स्ट स्पिन मतलब उसने पहली बार स्पिन किया और स्पिन करने पे ए पे रुका वो. ठीक है, ए पे रुक दिया. वैसे ही जो बी है, बी हमारा रुकता है सेकंड स्पिन पे. ए और बी हमारे नंबर हैं. ठीक है, कितनी बार रुकता है वो उस पे. ओके, अब क्या करना है आपको सिंपल से बताऊंगा मैं आपको. यहाँ पे इसको हम नेक करेंगे, समझिए ये एक डाइस है. एक डाइस में क्या होता है, एक जो डाइस होती है उस डाइस में 6 नंबर लिखे होते हैं 1 से लेकर 6 तक, है ना. जब मैं उसको स्पिन करता हूँ या घुमा के डालता हूँ तो मुझे कोई एक रैंडम नंबर दिखाई देता है. यहाँ पे भी सेम केस है, 6 नंबर है, 6 में से किसी एक पे भी एरो आ सकता है. सबका इक्वल चांस है. ठीक है, सबका अपना अपना इक्वल चांस है. जैसे एक डाइस में होता है, एक गाइस में कोई भी नंबर आ सकता है, आपको पता नहीं होता है, कोई भी नंबर आ सकता है. वैसे ही यहाँ पे भी है क्योंकि जो प्लेयर है वो 2 बार घुमाएगा
जो स्पिन होगा, जो डिस्क है उसको 2 बार घुमाएगा, 2 बार स्पिन करेगा। तो हमें कहा है कि ए इज द नंबर ऑफ सेक्टर ऑन विच द एरो स्टॉप्स ऑन फर्स्ट स्पिन एंड बी इज द नंबर ऑफ सेक्टर इन विच द एरो स्टॉप्स ऑन सेकंड स्पिन। मतलब कि ए वो नंबर है जो पहले स्पिन पे रुकेगा, ठीक है, जिस पे जो एरो है वो पहले स्पिन में रुकेगा, और बी वो नंबर है जिस पे एरो दूसरी स्पिन में रुकेगा। तो क्या करेंगे अब हम, हमें कहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फ्रैक्शन ए अपॉन बी इज इक्वल टू 1। क्या करेंगे अब हम, देखना सिंपल है, बहुत सिंपल है। हमें करना है ए अपॉन बी को, ए अपॉन बी का जो फ्रैक्शन है उसको 1 से ज़्यादा लाना है, ठीक है। तो अब इस केस में हम क्या कर सकते हैं, आपके मन में ये बात आ रही होगी कि इस कंडीशन में हम क्या करें। देखिए, अगर मैं इसके सैम्पल स्पेस बनाना शुरू करता हूँ तो मेरी जो सैम्पल स्पेस आएंगे, आपको पता हो सैम्पल स्पेस क्या होता है, जब हम लेग करते हैं कि क्या क्या सैम्पल क्या क्या आ सकता है हमारा, तो सैम्पल स्पेस मेरे कुछ 36 आएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एक आंकता 1 1, एक आंकता है 1 2, एक आंकता है 1 3, है ना, ये आंकता है, समझा बात को। एक्स करते 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 बहुत सारे आंकते हैं, और ये सारे मिला के हमारे 36 होंगे, समझे आप बात को। इतना हो गया। अब हमें पता है कि सैंपल स्पेस तो हमारे 36 ही हैं, ठीक है, इतना तो हमें पता चल गया है ना। अब क्या करेंगे हम, हमें ए, देखिए यहाँ पे अगर मैं पहली बार बात करता हूँ, इसकी बात करता हूँ, तो यहाँ पे ए हमारा 1 है और बी हमारा 1 है। ए 1 क्यों कहा मैंने, क्योंकि ए वो नंबर है जो पहले स्पिन करने पे आया था और बी वो नंबर है जो दूसरी स्पिन करने पे आया था। मुझे क्या प्रूफ करना है कि सॉरी, मुझे प्रूफ करना है कि ए अपॉन बी इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब ये है कि मुझे ए और बी दोनों की वैल्यू ऐसी रखनी पड़ेगी जो 1 से ज़्यादा गए, है ना। तो इसके लिए हम एक तरीका देखेंगे कि यहाँ पे सैम्पल स्पेस बहुत सारे निकालने पड़ेंगे। तो हम क्या करते हैं कि वो सैम्पल स्पेस निकालते हैं जिनको अगर हम अपॉन में करते हैं, मतलब अगर उनको डिवाइड करते हैं तो हमारा 1 से ज़्यादा आंकर आएगा, ठीक है। वो हम सैम्पल स्पेस यहाँ पर निकालते हैं। पहला सैम्पल स्पेस क्या आएगा हमारा, अगर मैं 1 1 करता हूँ तो 1 1 तो नहीं हो सकता, 1 और 2 हो सकता है, 1 और 2 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 1 और 2 करेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। हमारा क्या हो सकता है यहाँ पे, 2 और 1 हो सकता है, ठीक है। अगर आप एक्स करने जाएंगे तो आपका जो क्वेश्चन है, आपका वो क्वेश्चन है वो बहुत लंबा पड़ जाएगा, ठीक है। तो मैं पे आपको लिख कर दिखाता हूँ, ठीक है सारे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कुछ कैमल स्पेस में लिखे हैं। अब मेरे को लिखने का क्या क्या मतलब बनता था उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। हमें ए अपॉन बी 1 से ज़्यादा गाना है ना। तो अगर मैं 2 अपॉन 1 करता हूँ, 2 को मैंने ए लिया और बी को मैंने 1 लिया, तो क्या आएगा मेरा, 2 अपॉन 1, 1 से ज़्यादा 2 आएगा। ऐसे ही मैंने करते करते मैंने 15 सैंपल स्पेस लिए, ठीक है, और यही मेरी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो कितना है ये हमारे, 15 फेवरेबल आउटकम्स हैं हमारे, ठीक है, 15 फेवरेबल आउटकम्स हैं हमारे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रोबेबिलिटी हुई हमारी, प्रोबेबिलिटी दैट ए अपॉन बी इज ग्रेटर देन 1 इज इक्वल टू 15 अपॉन में 36, ठीक है। इसको आप ऐड कर दिए 3 5 या 3 12, क्या क्या आ गया, 5 अपॉन में 12, ओके। और ये आप क्या था आंसर। अब आप कहेंगे कि इसको इस क्वेश्चन करने में मैंने बहुत टाइम लगा दिया। इसका रीज़न ये था कि मैं आपको चाहता हूँ कि आप हर चीज़ समझे ध्यान से, ओके।